अगर गर्मा गर्म फ्राई होकर निकला हुआ बटाटा बड़ा मिल जाए तो क्या बात। ये बड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि अगर आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। इसे बिल्कुल हलवाई के सीक्रेट तरीक़े से बनाएंगे और मैंने इस रेसिपी को इतना सिंपल कर दिया है जिसे बनाने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट ही लगने वाले हैं। तो बनाते हैं इसे। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुँच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन भोजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बम्बई का बहुत ही फेमस बटाटा बड़ा बनाएंगे जिसे आलू बोंडा या आलू बड़ा भी कहते हैं। इसे बड़ा पाव के बीच में रखकर खाया जाता है। बड़े का मसाला स्पाइसी, चटपटा और बेसन की कोटिंग क्रिस्पी होगी। इसे घर में अवेलेबल मसालों से ही बनाएंगे। तो चलते हैं किचन में। बटाटा बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक कप छना हुआ बेसन बाउल में डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये रेडीमेड है, आप चाहे तो कूटी हुई अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे डाइजेशन और अच्छे फ्लेवर के लिए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसे स्पून या विस्कर के हेल्प से फेंटेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें ताकि पकौड़े अच्छे से फूलें। चूँकि हमने बैटर में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज नहीं किया तो इसे अच्छे से फेंटना और रेस्ट कराना ज़रूरी है। 10 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। आलू का मसाला बनाने के लिए हम एक बाउल में 5 से 6 मीडियम साइज के बॉयल आलू लेंगे और इसे मैसर के हेल्प से या स्पून से मैश कर लेंगे। फिर एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे। फिर मसालों में हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मैश कर लेंगे। तो हमारा चटपटा आलू का मसाला बनकर रेडी है। अब हम 1 चम्मच मसाला लेकर इसे हाथों पर रोल करेंगे और गोल शेप देंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे। बॉल्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटे या बड़े बना सकते हैं। अगर बनाते वक्त हाथों पर चिपके तो हाथों पर ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम सारे बॉल्स बना कर रेडी करेंगे। हमारे सारे आलू बोंडे के लिए बॉल्स बन के रेडी है और हमारा बैटर भी सेट हो चुका है। एक बॉल को लेकर हम बैटर में डीप करेंगे और स्पून के हेल्प से बैटर में इसे अच्छे से कोट करेंगे। फिर इसे सीधा ही गरम तेल में डालेंगे और सेम प्रोसेस से हम सारे बड़ों को बैटर में डीप करके गरम तेल में डालेंगे। बैटर को आप हमेशा ही ठीक रखें वरना अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा। इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे ताकि आपस में चिपके ना। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एक मिनट सीकने के बाद स्पून से इसके ऊपर गरम गरम तेल डालेंगे ताकि इसके ऊपर की लेयर सेट हो जाए और इसे पलटकर दूसरी साइड भी सेक लेंगे। आलू बड़े दोनों साइड से सीक कर तैयार है। इसे एक स्ट्रेनर के हेल्प से प्लेट में निकालेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरे बैच भी तलकर रेडी करेंगे। एक बार के बड़ों को सेकने में 6 मिनट का वक्त लगता है। सारे बड़े सीकर तैयार हैं। अब हम बचे हुए बैटर में मिर्ची फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने हरी मिर्ची को बीच में चीरा लगा दिया था ताकि बैटर में अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में हमने तीखी हरी मिर्ची फ्राई और टमाटो सॉस के साथ बटाटा बड़ा को सर्व किया है। ये बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फ्यूजनी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।
नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।